बोले कि मैं आपको आज कोल्हापुर का सबसे बेस्ट मिसल पाव। पिछले 8 महीने से मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने कईयों जगह का मिसल पाव ट्राई किया है। जी जी, बट ये डिफरेंट है, हमने उतना ही क्वांटिटी रखा है, उतना भी चाहिए उतना, उससे ज़्यादा बढ़ाया नहीं। आपको ये मिसल का टेस्ट कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत भारी लगता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया लगता है। डेली यही है आपके? अच्छा, डेली नाश्ता ये यही करते हैं? ओके, यानी ड्यूटी ज्वाइन करने के पहले ये 10:30 बजे हमको नाश्ते की छुट्टी हो जाती है, हम यही नाश्ता करते हैं। यानी आप बिजनेस के चक्कर में है? नहीं, आम आदमी को खाने को अच्छा मिलना चाहिए कम रुपए में। कम फ्रेंड्स, खाने का शौकीन आपको लेके पहुंचा वापस से ये कोल्हापुर में, और जैसे आप ये देख रहे हैं ये है नितिन मिसल। ये कोल्हापुर की बहुत ही फेमस और मशहूर मिसल है। जैसे ये आपको क्राउड नज़र आ रहा है, देखिए कितना ये अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह यहाँ पे ये क्राउड लगा है, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ये मिसल चलाते हैं। दादा क्या नाम है आपका? संग्राम। आप दोनों हस्बैंड वाइफ? हस्बैंड वाइफ। तो दादा ये दोनों आप जोड़ी मिलके कितने साल से ये कपल मिसल का बिजनेस कर रहे हैं? 8 साल से, और इसी जगह पे लग रहे हैं। कोल्हापुर में मिसल तो काफ़ी जगह पे मिलती है और बहुत बड़े बड़े नाम भी है, लेकिन हमने सुना है जो कस्टमर आपका टेस्ट लेते हैं, आपके टेस्ट की जो यहाँ पे बात करते हैं वो कुछ अलग होता है। तो आप ऐसा यानी क्या स्पेशली क्या कैसी मिसल या बनाते या क्या करते हैं आप? मसाला जो रहता है वो हम खुद होममेड में बनाते हैं। अच्छा, रेडीमेड मसाला कौन सा यूज़ नहीं करता है, खुद घर पे बनाता है सब मसाला। 17-18 मसाला का प्रकार होता है, सब एक जगह होता है, उसमें मिला के सब उसका यूज। हमारा पातल भाजी है ये, बराबर हिसाब से होता है सब। और लगातार इन्हें 8 साल से आपका? 8 साल से कंटिन्यू एक ही रेसिपी? एक ही रेसिपी, इसमें कोई चेंजेस नहीं? कोई चेंजेस नहीं। और दादा मिसल के साथ और क्या देते हैं आपके यहाँ? हमारा स्पेशल कांदा भजी रहता है। तो ये मिसल को कब स्टार्टिंग होती है फिर आपकी? मिसल सुबह 8 बजे स्टार्टिंग होता है, सुबह में कांदा भजी 9:30 बजे के बाद वो चालू होता है कांदा भजी। अच्छा, और कितने फिर? 1 बजे खत्म हो जाता है। 1 बजे खत्म हो जाता है, और उसके बाद फिर कैसे? बाद नहीं, उसके बाद बंद होता है। बंद हो जाता है, हमने उतना ही क्वांटिटी रखा है जितना हमें चाहिए उतना, उससे ज्यादा बढ़ाया नहीं। यानी आप बिजनेस के चक्कर में है? नहीं, आम आदमी को खाने को अच्छा मिलना चाहिए कम रुपए में। अभी मिसल का भाव कोल्हापुर में किधर भी जाओ 60 रुपए 70 रुपए 100 रुपए तक है। सही है, सही है। हमारा रेट अभी 35 रुपए है डायरेक्ट, 35। और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी? अच्छी क्वालिटी, क्योंकि कस्टमर आपकी यानी गारंटी दे रहे कि ये मिसल का टेस्ट है, इसीलिए आ रहा है। बहुत सपोर्ट है, रोज सुबह सुबह 8 बजे से 1 बजे तक 200 मिसल मैं बनाता हूँ। और आपके यहाँ साफ सफाई का उसका भी अच्छा ध्यान रखा है? सब देखता है। बढ़िया बढ़िया। तो 8 साल से ये आप कपल और मैडम आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत सपोर्ट है उनका। ये जो मिसल का मेन रेसिपी मैडम बनाते हैं, आप बनाते? मैं खुद बनाता हूं। अच्छा, आप खुद बनाते? मैडम मसाला बना देते। अच्छा, मैडम के हाथ का मसाला और रेसिपी मैं बनाता हूं। ये आलू और मटकी है सब्जी। यहाँ पे ये कोल्हापुर में ऐसा ये क्या कंसेप्ट है सब आलू और मटकी? आलू और मटकी रहता है। अलग क्यों रखते हैं? क्या वजह क्या है उसकी? पहले से ही वैसे ही मिसल का ये है। ये आ गया आपका फरसान, सेव चूड़ा बोलते हैं, क्योंकि हमें बहुत जगह पे पूछा ना, वो ऐसा बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे आलू पसंद नहीं करते, डायबिटीज होता है किसको, डाइट रहता जिसको है, जिसको पसंद है वो लेता है, जिसको नहीं खाने का है वो नहीं लेता है। वो रीजन है। देखिए इनका ये तरीदार झनझनीत रस्ता, आपको क्या बोलते हैं कोल्हापुर में? यहाँ पातल भाजी, पातल भाजी बोलते हैं ना, पुना में इसको सैंपल बोलते हैं, और अभी सांगली में किया तो वो लोग उसको क्या बोलते हैं? सांभर आएगा, सांभर सांभर बोलते हैं ना। और ये थोड़ा तीखा। अच्छा, ऊपर से ये तरी आपका तरी, और ये आपका ये पाव अलग आता है ना? यहाँ पे पाव अलग आता है, ब्रेड कांदा कांदा, और ये आएगा इसके दही। अच्छा, ऊपर से दही भी? दही। ये लग गया मिसल का प्लेट। बेकरी से पूरा ऐसे ही आता है? पूरा ऐसे ही आता है, इसको पेटी पाव बोलते हैं। अच्छा, पेटी पाव बोलते हैं इसको। और इसको फिर स्लाइस के जैसा आप स्लाइस के जैसा कट करते हैं, चाहे उतने साइज में फिर कट भी होता है ना। दादा यहाँ का एड्रेस बता देना एक बार प्रॉपर। होटल साहिबा, बसंत बार रोड, त्रिवेणी होटल से। ऑटो में मिसल का मजा ले रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? अखिल मिश्रा। और आपका सर? किशोर कमरे। तो आप ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाते। अच्छा, और ये आपके साथ में? हाँ, आप सर आप कहाँ से? सर मैं नागपुर से प्रॉपर। तो फिर साहूजी तड़का वाली बात हो गई। बहुत ज्यादा। पिछले 8 महीने से मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने कईयों जगह का मिसल पाव ट्राई किया है। जी जी, बट ये डिफरेंट है।